तो हे गाइस वेलकम। तो मैं हूँ क्लिनिक में, डॉक्टर के पास, हॉस्पिटल में गई थी। तो ऐसे ही था थोड़ा आज का दिन शुरू हमारा मॉर्निंग में। तो मैंने देखा कितना अच्छा क्लिनिक है, नया है वो, यहाँ पे ओपन हुआ है। तो इट वाज वेरी नाइस, वहाँ का जो एम्बियंस था ना बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। इट्स अ डॉक्टर डे एंड आई एम एट द क्लिनिक वेटिंग फॉर माय अपॉइंटमेंट एंड सो माय अपॉइंटमेंट इज एट 10:30 जस्ट टू हेल्थ चेकअप। वो हस्बैंड अंदर है अपना चेकअप कर रहे हैं और आई एम वेटिंग फॉर माय टाइम। एक घंटा वेट करना है मुझे। तो लेट्स सी, फिनिश होके घर पे जाएंगे, आपसे बाद में मिलते हैं। एवरीथिंग लुक्स गुड सो फार एंड आई एम वेटिंग फॉर माय डॉक्टर टू कम एंड लेट मी नो व्हाट इज ऑल अबाउट पॉजिटिविटी, है ना। तो वेट करते हैं और देखते हैं क्या बोलेंगे डॉक्टर, फिर मिलती हूँ। Oh my gosh, she came. She was so good. I'm like, I haven't seen any doctor so good, polite, such a happy face and such a positivity. She said, I am all good. That's what you want to listen every time when you go to the clinic. I mean, your health is more important to everybody, your family, to the doctors as well, because they consult you. They always tell you, eat healthy, do exercise, stay happy always, you know. And I'm so happy that everything is well. But the sad part is I'm gonna take the tetanus injection and I hate injection, just like my eldest son. I don't like any injections, but yes, I'm gonna take it now and that's making me more scared. So I think now it's gonna come very soon and I'm just gonna have some injection and then we are leaving home and I'm gonna tell the rest of the story back home. Medicine abhi mujhe 15 minute ke liye wait karna. I'm at the grocery store which has also as a pharmacy. Yahan pe hoti hai grocery, I mean jo यहाँ पे जो बड़ा सा जो स्टोर है वहाँ पे आपको हर चीज़ मिलेगी, प्लस फार्मेसी से लेके हर चीज़। तो अभी मैंने दो मेरे मेडिसिन तो ले लिए हैं। तो एक जो मैम है, शी सेड टू कम आफ्टर 15 मिनट्स, सो आई एम जस्ट वेटिंग एंड थोड़ा देखती हूँ, राउंड मारती हूँ, हस्बैंड तो कार में है। मेडिसिन लेने के बाद वी वेंट टू द अदर शॉप जो कि है एक लोज बल्कि यहाँ पे है जहाँ पे गार्डन। तो यहाँ पे हस्बैंड उठा रहे थे स्टोन्स जो उनका इनकम्प्लीट कुछ काम था पीछे बैकी यार्ड में। ही वांटेड टू कंप्लीट दैट एंड फिनिश द एजिंग विद द स्टोन। तो मैं वही बोल रही थी कि समर अभी ख़त्म हो रहा है लेकिन हमारा गार्डन ख़त्म नहीं हो रहा है अभी तक। बट यस, वो अभी आज कंप्लीट कर दिया ऑलरेडी। मैं उसका फ़ोटो शायद है मेरे पास, मैं शेयर करूँगी कैसा सिंपल है, कुछ ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं था उसमें। तो लेट होने की वजह से मैंने बाहर से ही खाना मंगा के ना मैं लेके आ गई थी है मीटिंग में। तो आई एम लाइक आई कांट वेट एनी मोर एंड इट्स वेरी लेट। हम लोग 1 बजे घर पे पहुँचे एक्चुअली। तो आई जस्ट थॉट आई लेट जो घर से मतलब जो मैंने बाहर से लाया है खाना वही खाऊंगी, फ्राइड राइस है, क्योंकि बहुत लेट हो गया मुझे आने तक ना। और मुझे वो इंजेक्शन भी लगा है तो आई एम जस्ट फीलिंग लिटिल बिट ऑफ पेन ऑल्सो। तो खाती हूँ फ्राइड राइस और आपसे बाद में मिलती हूँ। और जो मेन पार्ट है ना, हम लोगों ने जो ऑर्डर किया था वो आ गया है, वो आपको मैं इस वीडियो में दिखाऊंगी क्या है, तो देखना पूरा वीडियो। तो आफ्टर 2 ईयर्स ऑलमोस्ट हम लोगों ने ना हमारा फ्रंट में जो फ्रंट पॉच है वहाँ पे वो कंप्लीशन कर दिया है। और उसके लिए हम लोगों ने मंगाया है 2 रॉकिंग चेयर और उसके साथ टेबल, ओके। और वो भी हम लोगों ने अमेज़ोन से मंगाया है। तो आपको दिखाती हूँ उसकी अनबॉक्सिंग कैसे कर रहे हैं हम लोग और उसको असेंबल करना है। ऑलमोस्ट 30 मिनट्स लगे तीनों चीज़ों को करने के लिए। तो बहुत ही अच्छा था, क्वालिटी अच्छी है, कलर भी अच्छा है। तो आप देख लो कैसे बनाया हम लोगों ने। मैंने थोड़ा थोड़ा कैप्चर किया और पैकिंग बहुत अच्छी थी इस सामान की। तो आई वाज लाइक लिटिल बिट इम्प्रेस, बहुत ही नया और फ्रेश सामान भेजा है उन लोगों ने। इतनी गर्मी है ना, मैंने ऑलमोस्ट 3 आइसक्रीम खा ली है अभी। और अभी ये जो है हमारा फ्रंट पॉच का जो चेयर एंड टेबल वो असेंबल कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। वेट, आई कैन जस्ट शो यू गाइस। और क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, यू कुड सी दैट इट इज़ वेरी नाइस। और बहुत ही इजी था उसको ना बना के रेडी रखना, आई मीन वी ऑल डिड इट टुगेदर। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर आप जो भी फर्नीचर ऑर्डर करते हो ना अमेज़ॉन हो या आइकिया से, वहाँ पे आपको ना वो एल एक होता है और एक उसमें ना स्क्रूज़ होते हैं, हर चीज़ आपको मिल जाती है बट आपको ही करना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें हैवी होती है, डिफ़िकल्ट होता है, बट अगर आप स्ट्रांग हो तो हो जाता है। तो ऐसा लगा हमारा फ्रंट में रेडी होने के बाद। आई होप यू लाइक इट।
पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। बाय बाय।